जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देखे थे, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो इनवर्स के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। लेकिन उसके पहले ट्रिगो का फॉर्मूला जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग उसमें ट्रिगो का फॉर्मूला भी यूज होने वाला है। तो पहले हम लोग ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं जो इसमें यूज होने वाला है। तो पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। फिर फॉर्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। उसके बाद फिर है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का चार फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और चौथा फॉर्मूला tan है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x का भी दो फॉर्मूला है, एक 2 sin x into cos x और एक और फॉर्मूला इसका होता है tan n 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसके बाद tan 2x का फॉर्मूला यूज होता है, तो tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 3x, tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan qx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये ट्रिगो का कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आगे हमारा यूज होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू होता है एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी ठीक इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा x। मतलब यहां अगर साइन इनवर्स है तो यहां साइन होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल हो जाता है और वैल्यू हो जाता है x। ठीक इसी प्रकार टैन इनवर्स टैन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। नेक्स्ट साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है। कुछ और एग्जांपल है, कुछ और प्रॉपर्टी है, उसको भी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू sec inverse x, tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x, cot inverse 1 by x is equal to tan inverse x. ये सब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है. अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशिएशन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कि प्रॉपर्टी पे आधारित है. एक एग्जांपल है इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स. अब इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे साइन इनवर्स है. अगर यहाँ साइन होता तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं रह के क्या है कॉस है. तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हाँ जी कर सकते हैं. वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स. अब साइन इनवर्स से साइन मेरा कैंसिल हो गया तो अब वाई इज इक्वल टू हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन. तो प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर हम सवाल को बनाते हैं तो बहुत आसानी से मेरा सवाल सॉल्व हो जाता है. अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. अगला एग्जांपल है इफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. अब यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे और ये टेन इनवर्स है, अगर यहां पर टेन हो जाए तो टेन इनवर्स और टेन मेरा कैंसिल हो जाएगा. अब हम ये सोचेंगे कि कैसे इसको यहाँ पर क्या किया जाए कि मेरा टेन आ जाए. तो हमारे पास फॉर्मूला है वन माइनस कॉस टू एक्स का, तो टेन इनवर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, रूट को ऐसे ही छोड़ देंगे, और वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू से टू कैंसिल, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये होता है टेन स्क्वायर एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट का टेन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन एक्स, और यहां से टेन इनवर्स और टेन मेरा कैंसिल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर हम सवाल को बनाएंगे तो बहुत आसानी से मेरा सवाल दो तीन स्टेप में सॉल्व है.